you know him, and he's mashallah very active scholars in UK, and the second head of Merkezi Cemiyet El Hadis. So without any further ado, inshallah, we'll give him the speech so he can inshallah give a conclusion to the conference. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Actually, earlier I joined to this conference to listen and to learn from the scholars. MashaAllah, from 2 p.m. till now, MashaAllah, you are listening great scholars and number of 9. So this is great opportunity for all of us. We have learned a lot from those scholars. And I would like to thanks and congratulate to Brother Hassan Ali. He has arranged all, mashallah, this good event. So I would like to say few words in Urdu, just for reminder from our Urdu listener and for myself. Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, इनसे पूछिए क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हैं। इस आयत की रोशनी में आज ये जो मैसेज देना चाहता हूं मैं वो ये है कि जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ तकरीबन बिगिनिंग ऑफ 2020 सिंस नाउ, हमने बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे, बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, बहुत सारी चीज़ें प्रिंट मीडिया पे देखी और उसमें बहुत सारे रूमर्स हमने रिसीव किए एज ए पोस्ट और फिर हमने उनको फॉरवर्ड भी किया बगैर जाने हुए, बगैर तहकीक किए हुए कि ये बात सही है या गलत है। शुरू में ये था कि जब कोरोना वायरस के बारे में हमारे पास इतला आई, एक वीडियो आ गई कि ये कुछ भी नहीं है, दूसरे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ है, इससे इंसान कोई भी नहीं बचेगा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। कहने का मकसद ये है कि हमें कोई भी बात जब पहुँचे तो हमें उसके बारे में तहकीक करनी चाहिए, क्या ये बात सही है या गलत। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात पहुँची है जैसे कोविड-19, तो हमें किसी बिल्डर से या किसी मकैनिक से या किसी प्लम्बर से नहीं पूछना पड़ेगा कि ये कोविड-19 क्या है। हमें किसी मेडिकल एक्सपर्ट से, कंसल्टेंट से, किसी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि ये कोविड-19 क्या है, और जो एक्सपर्ट्स की राय होगी वही सही और ऑथेंटिक होगी। इसलिए अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया कि हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, जानने वाला और ना जानने वाला जैसे बराबर नहीं है, ऐसे ही दूसरे मुकाम पे अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया हल यस्तविल आमा वल बसीर, देखने वाला और नाबीना क्या बराबर हो सकते हैं। जैसे देखने वाला और ना देखने वाला बराबर नहीं हो सकते, ऐसे डॉक्टर और मकैनिक और ये रूमर फैलाने वाले सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हैं वो बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा रिमाइंडर ये है, मैसेज ये है कि हम जब भी हमारे पास कोई चीज़ पहुंचे तो हम उसके बारे में तहकीक करें, इन्वेस्टिगेट करें, एक्सपर्ट से पूछें कि क्या ये बात सही है या गलत है। जैसे आज माशाल्लाह हमने कुरान और सुन्नत सीखने के लिए एक्सपर्ट स्कॉलर से सुना और हमने बहुत कुछ सीखा। इसी तरह मेडिकल के बारे में पूछना है तो किसी जीपी से, डॉक्टर से, एक्सपर्ट से पूछेंगे। इसी तरह हदीस के बारे में पूछना है तो किसी शेखुल हदीस और किसी मुहद्दस से पूछेंगे। अगर फिका के बारे में पूछना है तो किसी फकीह से पूछेंगे। इसी तरह किसी लिटरेचर के बारे में पूछना है तो किसी ऑथर से या किसी बहुत बड़े स्कॉलर से पूछेंगे कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो मैं आज ये अर्ज करना चाहूँगा, जैसे अभी कोविड-19 के बाद अब कोविड-19 की वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन के बारे में भी बहुत सारे रूमर्स जो हैं आपने सोशल मीडिया पे देखे हैं,
कोई कुछ कह रहा है कि ये वैक्सीन लगाएंगे तो आपका डीएनए चेंज हो जाएगा, कोई कह रहा है कि अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आप जो है आपका जो है माइंड है, ब्रेन है, उसके अंदर को माइक्रोचिप लगा देंगे, आप उससे उसको कंट्रोल करेंगे। कल मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो रिसीव हुई, जो शख्स ये कह रहा है कि अगर कोई औरत ये वैक्सीन लगवाएगी तो नऔज़ु बिल्लाह उसके यहाँ फिर औलाद नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये जब हम तक पहुँचें तो हम उसकी तहकीक करें। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने मरकजी जमीयत हदीस यूके ने लास्ट वीक 4 डॉक्टर्स ऑन बोर्ड लिए पूरे यूके से, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, और तकरीबन 22 स्कॉलर्स हमारे साथ है। हमने जूम पे वो सारी स्टडी की, क्वेश्चन किए, आंसर लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आई विल सेंड लिंक टू ब्रदर हसन अली, ही कैन शेयर ऑन हिज पेज, सो यू विल सी द व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ कोविड वैक्सीन। इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल हलाल है, फाइजर की जो वैक्सीन आई है, एक्सपर्ट मुस्लिम डॉक्टर्स की ये ओपिनियन है जो हम इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। और इंशाल्लाह आफ्टर 1 वीक हम एक और कॉन्फ्रेंस जूम के जरिए ही करेंगे जो टोटली इंग्लिश में होगी, और उसमें आप हजरात के क्वेश्चंस के आंसर जो है वो डॉक्टर एक्सपर्ट हजरात देंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अगेन ब्रदर हसन अली अजीज ऑल टीम, मे अल्लाह सुबहाना ताला एक्सेप्ट हिज एफर्ट। अकूल कौली हाजा, अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Jazakallah khair, Sheikh. It was very beneficial. So I will just translate in English what the Sheikh said. He said the Merkezi Jamiat al-Hadith they conducted last month, and we will share on our Masjid's Facebook the conclusion of their conferences, that they said that there are lots of rumors and fake news saying that the vaccine is not safe, that some women won't have children. So the Sheikh clarified that they had consulted 22 scholars and the doctors, Muslim doctors. And they all gave the fatwa after consulting the scholars that the Pfizer vaccine was halal and we should take it. And Sheikh Abu Saad Ni'matullah has done a talk as well, but the Jamiat al-Hadith, mashallah, they always have excellent program. Last month they had an excellent talk on the Kashmir issue, inviting the Lord Nazir Ahmed, Maulana Habibur Rahman was there, Sheikh Zakallah Salim and other scholars, and the head of the Kashmir side of Pakistan. So Alhamdulillah, Jamiat al-Hadith, they're conducting monthly excellent programs with scholars. And so this is why the Sheikh, he told us, and he praised our conferences. And mashallah, we're very thankful, and we ask the Sheikh to do dua for us. It's all by the dua of our elders that Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala help us. We thank the Sheikh for his presence, and we make dua for him, and that mashallah they carry on their excellent work with Merkezi Jamiat al-Hadith. The annual conferences, we always advertise it, we always have the Bradford and the annual conference in Birmingham, but this year because of the COVID we missed it, but hopefully may Allah subhanahu wa ta'ala remove this so next year we can be back in Green Lane and inshallah benefit from the scholars. Jazakallah khair. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah we'll end the conference now, and mashallah it's been a 6 hours long conference, so I thank all the scholars to honor with us presence, all the brothers who attended, shared it and benefited. So inshallah we'll cut all the talks and share them separately on our YouTube channel so the brothers they can listen to them again, inshallah, obviously if it was long somewhere taking breaks in between. So jazakallah khair Sheikh Muhtaram, and jazakallah to all the scholars. Inshallah we'll end the conference now.